इन होठों पे जो मुस्कान है उसकी वजह आप ही हो। तो आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे किस चीज़ से रिलेटेड है। वो रिलेटेड है हमारे लिप्स से। एक्चुअली क्या होता है, हम अपने फेस का, अपने स्किन का, अपनी बॉडी का तो ध्यान रख लेते हैं, पर लिप्स को हम इग्नोर कर देते हैं। जितना हमारी स्किन इंपॉर्टेंट है, जितने हमारा फेस इंपॉर्टेंट है, उतने ही हमारे लिप्स भी इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ऑब्वियस है कि हमारे जो लिप्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डार्क होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर एक पपड़ी सी बनने लग जाती है। और जो आज का ये DIY है, ये स्पेशली मैं विंटर्स के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि विंटर्स में हमारे इस लिप्स में क्या होते हैं, क्रैक्स होने लग जाते हैं, जो हमारी ऊपर की पपड़ी होती है वो ऐसे उतरने लग जाती है। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का, या फिर कोई भी हम लिपस्टिक लगाते हैं तो बहुत ही बेकार सी लगने लगती है, अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आप प्रॉपर अपने लिप्स का भी ध्यान रखेंगे तो इससे बहुत अच्छा होगा, और आपके लिप्स पे एक शाइन आ जाएगी, जो ब्लैकनेस है वो कम हो जाएगी, और जो डलनेस है वो भी धीरे धीरे लाइटन होने लगेगी। तो आज का जो DIY है मैंने घर पे ही बनाया है, घर की चीज़ों से ही बनाया है। कोई कोई लोग होते हैं जो बाहर से नहीं लेना चाहते हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो घर पे ही अवेलेबल हो जाती है, उससे ही हम कोई भी DIY है या फिर कुछ भी है वो बना लेते हैं। तो आज का जो DIY है मैंने सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से बनाया है, वो है कोकोनट ऑयल, घी, घी भी हमको घर पे मिल जाएगा, कोकोनट भी हमको घर पे मिल जाएगा। उसके बाद कोई भी लिपस्टिक लेनी है, उसके बाद आपको लेना पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली भी सबके घर में अवेलेबल हो जाएगी। बस इन चारों को मिक्स करना है और अपना लिप बम रेडी हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह का लिप बम बनेगा, इसको मैं ओपन करके बता देती हूँ। इसको मैंने 2-3 डेज़ पहले ही बना के रख लिया था, तो जो पूरी तरीके से ये डार्क हो गया। इसका जो टेक्सचर है कुछ इस तरीके का है, जो हमको बाज़ार में लिप बम मिलती है उसी तरीके का है। इसको मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ, देखिए इतने से ही कितना अच्छा इसमें मॉइस्चर आ गया है, स्पेशली क्योंकि ये विंटर्स के लिए है। एक टिप और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, उससे क्या होगा, जो आपकी डेड स्किन हो जाती है आपके लिप्स पे, वो पूरी तरीके से चले जाएगी। जब भी आप ब्रश करें तो जो ब्रश होता है उसको अपने लिप्स पे भी एक दो बार ऐसे रब कर लीजिए, उससे क्या होगा, जो भी हमारी डेड स्किन है वो चली जाएगी। आप इसको वीक में 2 बार जरूर करिए। जब भी ये लिप बम आप कभी भी बन किसी भी समय लगा सकते हैं, चाहे आप लिपस्टिक से पहले बन लगा रही हो, चाहे लिप ग्लॉस के थ्रू लगा रही हो, चाहे आप नाइट में लगा रहे हो, कभी भी इसको आप अपने लिप्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बिल्कुल ईजी है, आपको 10 to 15 मिनट से बस इसमें लगेंगे और आपका लिप बम बन के रेडी हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो ये मुस्कान है ये आप लोगों की वजह से ही है। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और जो भी मैं चीज़ें लेकर आती हूँ पहले मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, फिर आपके लिए लेकर आती हूँ। क्योंकि लोगों का विश्वास लेना बहुत कठिन होता है, इसलिए पहले खुद अप्लाई करती हूँ फिर आपके लिए लेकर आती हूँ। और जो मैंने लगा रखा है, अभी जो मेरी ग्लो देख रहे हैं, ये जो मैंने सीरम बनाया था लास्ट वीडियो में, वो बहुत अच्छा और बहुत इफ़ेक्टिव है। प्लीज़ प्लीज़ इसको ट्राई करके ज़रूर देखना। ये चीज़ें बहुत ही नेचुरल होती हैं, और बाहर की चीज़ें भी थोड़ी सी अफोर्डेबल नहीं होती हैं। घर पे जो चीज़ बनाते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती है, ज़्यादा टाइम तक चलती हैं और एकदम नेचुरल होती है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसलिए प्लीज़ ज़रूर बना के देखिए और अप्लाई करके ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये लिप बम कैसे मैंने बनाया है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको एक ऐसा कांच का बाउल लेना है, क्योंकि आपको गैस में करना है तो आप दूसरा बर्तन ले सकते हैं विदाउट कांच का, और अगर आप माइक्रोवेव में इसको मेल्ट करते हैं तो आप ऐसा कांच का बाउल ले सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें लेना है 1/2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो होता है उसमें SPF 3 होता है, फैटी एसिड होता है, जो आपके मॉइस्चर को लॉक करने में बहुत हेल्प करता है, और आपके जो मॉइस्चर है उसको लॉक करता है, और जो लिप्स में क्रैक्स आ जाते हैं, चैप्ड लिप्स हो जाते हैं, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो हम इसमें 1/2 टेबल स्पून हम इसमें कोकोनट ऑयल लेंगे। उसके बाद हम इसमें लेंगे पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली में क्या होता है, वो हमारे जो लिप्स होते हैं, जो हमारी स्किन होती है, उसको नरिश और सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। इसलिए हम इसमें लेंगे में हम लेंगे 1 चम्मच कम से कम पेट्रोलियम जेली, क्योंकि मेल्ट होके 1 स्पून हो जाएगी, ये थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी है इसको।
उसके बाद इसमें हम लेंगे घी, क्योंकि घी में आपको पता है बहुत सारा मॉइस्चर होता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जो भी हमारे इन्फेक्शन होते हैं रिलेटेड टू स्किन उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। जो हमारे ब्लैक जो लिप्स हो जाते हैं, जो डल लिप्स हो जाते हैं, उसको वाइटन करने में हेल्प करता है। तो हमको ये छोटा चम्मच घी लेना है, और जो बड़ा स्पून है उसका हाफ टेबल स्पून हो जाएगा, और ये छोटा चम्मच है इसका 1 स्पून, उसमें घी लेना है। उसके बाद कलर के लिए हम इसमें लिपस्टिक का यूज़ करेंगे। मैंने ये लिपस्टिक ली है जो ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है, इसमें भी थोड़ी थोड़ी रह जाती है, तो आपके पास जो भी आपकी लिपस्टिक है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, उसका थोड़ा सा पार्ट हमको इसमें लेना है। तो क्या होगा, आपके लिप बाम में थोड़ा सा इसमें कलर आ जाएगा। एक्चुअली आजकल मार्केट्स में भी जो कलर लिप बाम प्रोवाइड हो रहे हैं, तो हम फूड कलर डालने की बजाय हम इसमें लिपस्टिक का यूज़ करेंगे। तो आप कोई सी भी लिपस्टिक का शेड ले सकते हैं जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हो, फिनिश होने वाली हो। मेरी ये फिनिश होने वाली थी, इसलिए मैं इसमें बहुत छोटा सा पार्ट, इसमें बस इतना सा हमको इसमें लिपस्टिक का पार्ट चाहिए होगा, बस इतना सा हमको इसमें हमको मिलाना है। और ये देखिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिल चुके हैं। अब बस इसको हमको माइक्रोवेव में या फिर गैस पर मेल्ट करना है, और उसको 1 दिन के लिए रखना है। 1 दिन रखने के बाद ये जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे एकदम थिक हो जाएगा इसका, और लिप बाम की तरह आपका बन जाएगा। मेल्ट होने के बाद आप कोई भी छोटी सी आपके आप इसको फिल कर लीजिए। मेल्ट होने के बाद ही जस्ट आप उसमें उसको खाली कर लीजिए, जो भी आपके पास छोटी सी डब्बी हो, और बस उसके बाद आपका लिप बम तैयार है। मैं इसको देखिए ऑलरेडी पहले से मैंने लिप बम बना के रेडी रखा हुआ है। मैं इसको 5 या 6 डे से यूज़ कर रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा इसका टेक्सचर लगा, और बहुत अच्छा इसका इफेक्ट मेरे लिप्स पे आया। उसके बाद मैं आपको ये आपके लिए बना के बता रही हूँ। जो लिप बाम है आपको अपने लिप्स पे भी अप्लाई करके बताऊंगी। पहले मैंने जो लिपस्टिक लगा रखी है उसको मैं अच्छे से रिमूव कर देती हूँ। इससे पहले भी मैंने लिप बाम ही लगा रखा था। देखिए मैंने अपनी लिपस्टिक अच्छे से रिमूव कर दी, फिर मैंने लिप बाम लिया। ये आप कोई भी कंटेनर में इकट्ठा करके रख सकते हैं, मैंने प्लास्टिक का कंटेनर लिया था। देखिए देखिए कितना अच्छा मॉइस्चर है, और ये 2-3 आवर्स आपके लिप्स पे से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो भी इसमें चीज़ें हैं, इसमें जो भी चीज़ है वो आपके लिप्स को एकदम मॉइस्चराइज कर देंगी, आपके लिप्स को लाइटन करने में बहुत हेल्प करेंगी। जो डार्कनेस हो जाती है उसको लाइटन करने में बहुत हेल्प करेगी। तो बस आप कभी भी इसको ट्राई करें, बेझिझक ट्राई करें। देखिए कितना अच्छा मॉइस्चर आया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नमस्ते, बाय बाय, लव यू।